कश्मीर को लेकर एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने जहर उगला है। एक बार फिर अपने विवादित बयान से हलचल मचा दी है। मोदी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है और उसके पास भी परमाणु बम है। वह भारत को जम्मू कश्मीर के अपने कब्जे वाले हिस्से पर नियंत्रण नहीं करने देगा। कब तक ये तूफान चलता रहेगा, कब तक बेगुनाहों का खून बहता रहेगा और हम ये कहते रहे वो हमारा हिस्सा है, वो इनके बाप का हिस्सा नहीं है। 70 साल हो गए, वो पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान, और 70 साल से ये उसको हासिल नहीं कर सके। आज कहते हैं ये हमारा हिस्सा है। अरे जरा ले ना, हम भी तो कहते हैं जरा ले लो, हम भी देखें। वो भी कोई कमजोर नहीं है, वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, उनके पास भी एटम बम है, वो भी हमारे ऊपर ही डालते हैं। गड़ा गड़ा तो हमारा ही होगा। वैसे पिछले हफ्ते ही अब्दुल्ला ने कश्मीर मुद्दे पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पीओके पाकिस्तान का है। हम कब तक कहते रहेंगे कि पीओके हमारा हिस्सा है, पीओके उनके बाप की जागीर नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 70 साल हो गए हैं लेकिन भारत पीओके को हासिल नहीं कर सका। तो अब्दुल्ला के विवादित बयान हमेशा से आग में घी डालने का काम करते हैं। अब्दुल्ला के इस बयान पर कांग्रेस ने टिप्पणी करते हुए कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया है, तो वहीं अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से कश्मीर का मुद्दा सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाने की भी अपील की है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।